नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 5 मिनट में एप्पल की बर्फी। ये बर्फी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजीली घर पे मिल जाते हैं। तो चलिए 5 मिनट में तैयार होने वाली एप्पल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून घर का घी, मैंने इसमें 2 प्रकार के एप्पल लिए हैं। एक मैंने लिया है नॉर्मल एप्पल 1 कप और दूसरा मैंने लिया है ग्रीन एप्पल। अभी हम दोनों को सेक लेंगे। दोस्तों, बर्फी के अंदर ग्रीन एप्पल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं हमेशा इस प्रकार से बर्फी बनाती हूँ। इसको हम तेज़ आंच के ऊपर ही 1 ही मिनट के लिए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप खोया, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/2 कप पीसी हुई चीनी, क्योंकि एप्पल मीठे होते हैं और ये बर्फी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, तो इसमें हम चीनी 1/2 कप डाल रहे हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 कप काजू का चूरा, जिसको मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं, वैसा डालना है। अब हम सारी सामग्री को मिक्स करके कुक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको करीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये गोला अच्छे से घूम रहा है। आपको सिर्फ इसको 1 ही मिनट सेकना है। बर्फी रेडी हो चुकी है। आँच को बंद कर देती हूँ मैं। मैंने ट्रे के अंदर बटरी पर लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। इसमें हम ये बर्फी को डाल देंगे। स्पैचुला की सहायता से आप इसको अच्छे से लेवल कर दीजिए। अब मैं इसमें ये काजू के टुकड़े हैं वो लगा रही हूँ। काजू के टुकड़ों को हमने बारीक काट लिया है। दोस्तों, ये किशोरी पिस्ता है, इसको मैं इस पे डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बैठेगा। अभी हम चम्मच की सहायता से सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे अच्छे से प्रेस करके बर्फी के अंदर सेट कर लेंगे। अब मैं इस बर्फी को फ्रीज में सेट कर रही हूँ। हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। हमारी 2 मिनट में तैयार होने वाली एप्पल की बर्फी बनके तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।